हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है गाइस, हम सब भी फिलहाल ठीक ही है। तो गाइस, आज मेरे साथ है अपना शकील बंदा पेंडा, और ये तन्नु अपना टाइम आएगा, और पीछे आ रहा है सकलैन, और ये आगे चल रहा है, ये भी शकील है, और ये पीछे चल रहा है, ये भी शकील है। गाइस, तो अभी 8 बज चुके हैं, और अपना रनिंग एक्सरसाइज वर्कआउट मतलब सब अपना ख़त्म हो गया है। तो फिलहाल अब पैदल घर पर जाएंगे, शॉर्टकट रास्ते वाले जो अपने रोज जाते हैं वही रास्ते पे। अभी आपको यहाँ पर चार ही बंदे दिखाई देते होंगे, पर कुछ टाइम पहले मतलब आधे घंटे या मतलब एक घंटे के पहले यहाँ पर 20-30 बंदे थे जो रनिंग के लिए आए थे, तैयारी करने के लिए इंडियन आर्मी की। गाइस हमारे सद्दाम भाई जो अभी आर्मी में ज्वाइन है, उनको 6 साल हो गए आर्मी में ज्वाइन हुए, तो वो उन्होंने स्पीच दी, इतनी ज़्यादा कड़क वाली स्पीच दी। उनके मोटिवेशन स्पीच से हमारे गांव के काफ़ी ज़्यादा लड़के मोटिवेट हुए हैं हरगुड़ के और हमारे गांव के। तो हमारे गांव के बस आप दिख रहे हो इतने ही बंदे, और एक बंदा घर पे गया है, वो बाइक लेके निकल गया था, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं, और उससे यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं इंडियन आर्मी में जाने के लिए। इंडियन आर्मी और पुलिस, बस यही अपना एक ध्येय है। गाइस, तो हम जैसे जितने भी बंदे इंडियन आर्मी की तैयारी कर रही है, मैंने भी आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि हमारे लिए दुआ करना, और दुआ करना गाइस कि हम इंडियन आर्मी में जाए, देश की सेवा करें। क्या बोल दो भाई लोग, बोल दो कि दुआ करें हमारे लिए, दुआ करना इंडियन आर्मी के भाई लोग, हमारे लिए दुआ करना इंडियन आर्मी के लिए, और जितने भी बंदे हमारे गांव के मेहनत कर रहे हैं, कहीं के भी जितने भी बंदे मेहनत कर रहे हैं, उनको कामयाबी अता फरमाए, आमीन, और आमीन, उन सबकी। तो गाइस, ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहो, हम भी मोटिवेशन स्पीच देके लोगों का हौसला बढ़ाते रहेंगे, जो भी बंदा ला के पुलिस में और इंडियन आर्मी में जाने के लिए, मतलब इंडियन आर्मी पुलिस भी नहीं, पर जैसे रेलवे पुलिस है, मतलब जो बिल्ड वाली नौकरी आती है ना, उसी के लिए जो भी बंदा लायक है, तो हम उसको कहने वाले हैं कि भाई तू तैयारी कर, तू लग सकता है। उनका हौसला बढ़ाएगा, उनका मोटिवेट करेगा उनको, और वो भी आएगा, प्रैक्टिस करेगा और लग जाएंगे। शकील, रनिंग की बात है ना, तने घर पे जाके खाने के, रात को भिगो देने के, एक मुट्ठी जितना है मतलब एक कप ले लेने का, और कप के अंदर डाल देने के, फिर उसको कटोर में डाल के पानी डाल, और सुबह को उसको खा लेने के धोखे। गाइस, जैसे अपने एक्सरसाइज करते हैं, जैसा अपना वर्कआउट करते हैं, और जैसी अपनी रनिंग करती है, उसके साथ साथ हेल्दी डाइट भी लेनी चाहिए। तो हेल्दी डाइट लेगी तो अपना स्टेमिना भी बनेगा, और अपने रनिंग भी पास कर जाएंगे। हर रोज आपको डेली रूटीन बना लेना है, ये रनिंग करके बाद वर्कआउट जो भी आप सुबह को करते हो, उसके बाद आपको घर पे जाना है, 1 घंटा या 1 घंटा बैठना है, उसके बाद पानी पीना है, एकदम शांति से पीना है, एक बोतल आपको पानी पी जाना है, और उसके बाद आपको चने हो, केले हो, या कुछ भी हो, आप नॉनवेज खाते हो तो एक अंडा ले लेना है, तो आपको कच्चा पीना है, तो हेल्दी डाइट बनेगी आपकी, हर रोज पीना है। तो आप हेल्दी डाइट करोगे, वैसे ही रनिंग करते हो, तो ऐसे ही आप अच्छी तरह से रनिंग कर सकोगे। गाइस, सुबह सुबह एक अच्छे वाला नज़ारा हमको दिख गया, यहाँ पर पीकॉक कला कर रहा है, बारिश की दुआ कर रहा है कि बारिश आ जाए, ऐसा मुझे लगता है, इतनी अच्छी तरह से कला कर रहा है वो। शकील देख, ऐसे नज़ारे सिर्फ गाँव में देखने मिलते हैं और पहाड़ों पर, वैसे ही सिटी में तो कुछ देखने वाला है नहीं आपको। तो देख लो यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से मुर्ग कला कर रहा है, अपने अंदर जाना है, बंद कर देती अपने को देख के। चलो बाय बाय, हम भी निकलते हैं, तन्नू को भूख लगी है, तन्नू क्या खाएगा घर पे जाके। खेतों के पार जाते तो मोर की आवाज़, चकली की आवाज़, दूसरे सब जितने भी पक्षी है, जानवर है, उन सब की आवाज़ आते ना, तो इतना अच्छा दिल को लगता है ना, कि जैसे कि हम जंगल में फिरते हुए वैसे ही लगता है हमको। अभी हम आए जामबूढ़े खाने के लिए। गाइस, तो इससे बोलते हैं जामबूढ़े, देख लो आप कितने अच्छे आते हैं, देख नीचे आ गए, ये ताजे वाले आने दे, छोड़ दे पूरे जामुड़े जामुड़े। तनु, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जामुन। जामुन कहते हैं? जामफल। मुझे तो नहीं पता इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अपनी लैंग्वेज में इसको जामुड़े बोलते हैं, वही अपने रखते हैं। ठीक है, वे तेरे अकेले के नहीं खाने के, नीचे आने दे हमारे लिए भी, खाएंगे ना, ला ला इसको ढोल दो, अच्छे वाले है, खा दो तुम जाम्बू। जाम्बो धो के आ गए, अब खाएंगे मस्त वाले जाम्बू। गाइस, पूरी जामुड़े बंदर की तरह यहाँ पर सब चढ़ जाए। गाइस, गांव में रहने का मजा ही यही है, आपको हर चीज मिल जाती है। बहुत शोर कर रही है ये भैंस, यहाँ पर रहने का मजा ही यही है गाइस गांव में। तभी तो शकील और सकलैन दोनों पेड़ पर चढ़ा ये जामू के, ये सब गिरा रहने चाहिए। चल वे नीचे उतरा, वे चलो अपने जी गर्भ, सकलैन उतर चल, आज शकील के और ये तन्नू का नौकरी नहीं जाने का, इसीलिए अपने थोड़ी देर से घर पे जा रहे हैं, वरना कब से निकल जाते, और इतने सब ले लिए रास्ते में, चलते चलते खाएंगे। आपको भी ये सब खाना हो तो आ जाओ हमारे गांव में, आप आओगे तो हम सब आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। अपना शॉर्टकट वाला रास्ता खत्म, और स्टार्ट होता है अपने घर का रास्ता। वही चल साइकिल उतर। तो गाइस, मैं साइकिल लेके आया था और ये लोग पैदल आए थे, तो मैं अभी साइकिल ले लेता हूँ, घर पे निकल दे, वही मिलते शाम को, ठीक है, चलो बाय। दुआ में याद, दुआ करना सबके लिए, ठीक है। आज गाइस नाश्ते में एक और चीज है जो है
बाफेले मूंग जो अपने सेहत के लिए एकदम फिट है, बॉडी मोड़ी सब अच्छी हो जाती है। तो ये सब नाश्ता करके आपको मिलता हो ठीक है, और साथ में केले भी है गाइस। आज मुझे लगता है सूर्य की पिटाई होने वाली है, सूर्य की पिटाई हो रही है। देखो अभी गाइस 11:30 हो रहे हैं, अपना खाने का टाइम भी हो चुका है। तो गाइस मैं अभी गया था पापा के साथ आनंद पे, कल हम दोपहर को गए थे और आज सुबह को गए थे आनंद पे। तो बहुत बढ़िया वाली मजा आई घूमने में गाइस। तो अपना खाने का टाइम हो चुका है, तो मम्मी ने बना पता नहीं है कि क्या बना है, तो देखते हैं खाना खाने के लिए बैठते तब पता चल जाएगा कि मम्मी ने क्या बनाया है। आज मम्मी ने बनाई है गर्मा गर्म मूंगी की सब्जी, बढ़िया वाली। मुझे तो कठोर बहुत अच्छे लगते हैं और मैं खा ही लेता हूँ, तो खा के आपको मिलता हूँ ठीक है। और आज का जो भी प्लान होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अपना टाइम आएगा, मतलब आ गया अपना टाइम रनिंग करने के लिए, तो जा रहे हैं खेती बाड़ी रनिंग के लिए। आज पूरे दिन बादल ही नहीं आए, बारिश से भरे हुए, आज पूरा दिन आसमान खाली था, ऐसे रास्तों से जाना पड़ता हमको खेती बाड़ी। आज सुबह को गाइस हम रनिंग करने के लिए गए, तो बहुत मजा आया क्योंकि जामुन के पेड़ पर से हमने जामुन खाए। हमारे पास टाइम था इसी वजह से, क्योंकि सकेल और तन्नु को नौकरी नहीं जाने का था, जिस दिन नौकरी जाए उस दिन हमको जल्दी घर पे जाना पड़ता है। आज गाइस हम मेन गेट से नहीं आए, हमारे गाँव से नजदीक ही है वो गेट से आए आज। ये पूरी खेती बाड़ी हमारे गाँव से, हाड़गुड़ गाँव से भी बहुत बड़ी खेती बाड़ी है, पब्लिक ही नहीं है लॉकडाउन की वजह से, खाली खाली लग रहा है यहाँ पर सब। हमारे आनंद जिले की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी खेतीबाड़ी की है गाइस, देख ही लो आप इसके कॉलेज, वो सब बहुत बढ़िया वाली है। पहले यहाँ पर जो फोटो खिंचाते ना, हम भी वहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए आते थे, पर अभी तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जब हमारी एग्जाम होती थी ना, तब हम यहाँ पर बैठ के प्रिपरेशन करते थे सुबह को आके जल्दी। अभी तो गाइस पूरी के पूरी खेतीबाड़ी खाली पड़ी है, क्योंकि लॉकडाउन ऐसा चल रहा है, तो टीचर भी नहीं है, स्टूडेंट भी नहीं है, स्टाफ वाले भी नहीं है, वॉचमैन कोई इतना ज़्यादा पब्लिक है ही नहीं खेतीबाड़ी में, पूरी खेतीबाड़ी खाली खाली लग रही है। और जब हो तो आपको इतनी ज़्यादा पब्लिक दिखा ना गाइस, इतनी ज़्यादा जैसे कि आप मेले में आए हो वैसे ही लगता है यहाँ पर। पर अभी तो यहाँ पर गाइस सुनसान रास्ते है, सुनसान। आज पूरा दोपहर को मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग करी है, जो अपने 100 व्लॉग वाली है भाई, आधा काम तो अपना हो ही गया है, सिर्फ आधा काम बाकी है, वो भी खत्म हो जाएगा। और जब अपने 100 व्लॉग पूरे हो गए तब मैं वो व्लॉग डाल दूंगा जो 100 व्लॉग के साथ वाला आएगा, वही गाइस देखना वो व्लॉग, और लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस, जो आप चैनल बने हो। तो जो वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट कर देना कि कैसा लगा ये मेरा 100 व्लॉग वाला वीडियो। आ गया गाइस अपना खेतीबाड़ी का ग्राउंड, जो सबसे बढ़िया वाला हो, सबसे अच्छे वाला ग्राउंड है गाइस। तो यहाँ पर झगड़ा हो गया किसी का पता नहीं है, पर अपने तो अपना काम ही करते हैं, अपने तो गाइस यहाँ पर रनिंग करने के लिए आए हैं, तो झगड़ा यहाँ पर तो होता ही रहता है, कॉलेज वाले लड़ते हैं फिर वापस से जुड़ जाते हैं, वो तो उनकी अंदर की बात है। तो अपने को तो सिर्फ रनिंग करनी है, ऐसे झगड़ों में पड़ना नहीं है। और हाँ गाइस मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे झगड़े वगड़े में पड़ गए, आपके ऊपर पुलिस केस हो गया, तो आप इंडियन आर्मी मतलब कोई भी बेल्ट वाली नौकरी उसकी सबने भूल ही जाना, क्योंकि आपके ऊपर एक केस भी बना ना तो आप कभी भी इंडियन आर्मी और पुलिस में नहीं जा सकते। तो मेहरबानी करके ऐसे झगड़े में मत पड़े, आपका हो किसी का हो मतलब किसका भी हो, झगड़े में मत पड़े, यही मेरी आपसे सलाह है ठीक है गाइस। तो अपना रनिंग का वर्कआउट भी खत्म हो गया और अपने स्ट्रेचिंग वेचिंग वो सब कुछ खत्म कर दिया, और हम आधे रास्ते तक आ भी गए हैं। तो फिलहाल आपको मैं घर पे मिलता हूँ ठीक है, फ्रेश हो गए एकदम गाइस, अभी एकदम फ्रेश हो चुके हैं। तो मैं काफी ज्यादा टाइम के बाद मतलब काफी ज्यादा दिन के बाद आज दूध गर्म कराऊ, क्योंकि मैं जब शाम को आता था रनिंग करके घर पे वापिस, तो मम्मी दूध गर्म करके रख ही छोड़ती थी मेरे वास्ते खाने के लिए, पर आज मम्मी थोड़ी बिजी है इसीलिए उन्होंने काम नहीं किया, तो दूध गर्म मुझे करने का है। वैसे ही गाइस अपना घर का काम करने में क्या बड़ी बात है, कर ही लेते हैं ठीक है। ये रहा दूध और ये रही तपेली, अभी दूध हो रहा है गर्म, ये रही तैयारी रखते हैं उबल ना जाए, तैयारी एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। उबल गया उबल गया उबल गया, यस कंप्लीट, जबरदस्त, ऑसम। फ्लेम को कर देते हैं बंद और यहां से भी कर देते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं, कर देते हैं उसको भी बंद। अपना गर्मा गर्म दूध रेडी हो गया है, तो उसको रख देते हैं एक जगह पे रख देते हैं ठंडा होने के लिए, फिर जब खाने का टाइम होगा तब उसको खाएंगे।
गैस तो वो वाला भी अपना काम खत्म हो गया है। तो फिलहाल मैं अभी करने वाला वीडियो एडिटिंग, क्योंकि मैं दोपहर को वीडियो एडिटिंग करा, पर मैंने वीडियो एडिटिंग करा वो 100 व्लॉग वाला करा, ये व्लॉग का वीडियो एडिटिंग मैंने करा ही नहीं है। तो फिलहाल मैं वीडियो को एडिटिंग करने वाला हूँ, ठीक है। फिर खाने के टाइम पर आपको मिलता हूँ। मम्मी ने क्या बनाया आज, लजीज खाना। गैस आज मम्मी ने लजीज ही खाना बनाया। एक तो मेरा दूध है खाने के लिए, जो मैं हर रोज खाता हूँ खाने के टाइम पे, और आज मम्मी ने गोश्त बनाया, गोश्त जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज बहुत मजा आने वाला है गाइस, गोश्त और रोटी खाएगी आज, ठीक है। तो खा के आपको मिलता हूं गाइस। तो अपने सोने का टाइम हो चुका है, तो इस वीडियो को करते हैं, कल मिलते हैं एकदम इंटरेस्टिंग व्लॉग में, जैसे आज बनाया हमने, तो मिलते हैं कल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं कल के नेक्स्ट एकदम इंटरेस्टिंग व्लॉग में। अभी के लिए फिलहाल बाय।